गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर, और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे बच्चों। तो आइए, मैंने आपके लिए पाइथन के बहुत सारे छोटे वीडियोस, आपके लिए जानकारी भरे वीडियो बनाए हैं। उसी क्रम में आज एक नया विषय आपके साथ है, जिसके बारे में थोड़ी जानकारी आप ले लीजिए। वो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, स्ट्रिंग प्रोसेसिंग। क्या है वो टॉपिक? स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग। ये स्ट्रिंग क्या है और उसको प्रोसेस कैसे करते हैं? तो पहले तो आपको ये मालूम होगा कि स्ट्रिंग होती क्या है। स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स या सिंबल्स, जिनको कि सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स में बनाते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि स्ट्रिंग आपका इम्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट है, लेकिन स्ट्रिंग को हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये कि स्ट्रिंग प्रोसेसिंग में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, स्ट्रिंग प्रोसेसिंग के अंतर्गत वी कैन परफॉर्म द फॉलोइंग, निम्न कार्य हम कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है, ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है जिसको हम लोग स्ट्रिंग में करेंगे। ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है, शायद हम पहले भी आपके साथ जिक्र कर चुके हैं कि विजिट या प्रोसेस ईच एंड एवरी एलिमेंट। देखिए, ट्रैवर्सिंग से ही स्ट्रिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे एक बड़ा ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एनी स्ट्रिंग। आप किसी स्ट्रिंग की लेंथ को कैसे पता लगाएंगे? तो देखिए, लेंथ का पता लगाने का दो तरीका है। एक तो लेंथ फंक्शन है जो आप जानते हैं, लेकिन अगर आपको खुद से ये कार्य करना हो विदाउट यूजिंग लेंथ फंक्शन, तो ये कैसे होगा? तो यही तरीका ट्रैवर्सिंग के थ्रू होगा। आइए दिखाता हूं कि ये कार्य कैसे होगा। तो इसके लिए एक छोटा सा आपको प्रोग्राम बना रहा हूं, सब लोग देखिएगा कि प्रोग्राम टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है बच्चों। तो सबसे पहले आप यूजर से क्या कहेंगे, str इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर स्ट्रिंग। आप अपनी स्ट्रिंग को क्या करो, एंटर करो। एंटर का मतलब इनपुट करो। str इज इक्वल टू इनपुट इंटर योर स्ट्रिंग, और इसके बाद एक len नाम का वेरिएबल बना लीजिए, जिसका मान, या len ना लीजिए, आप L नाम का एक वेरिएबल बनाइए जिसका मान 0 रखिए। कैसे प्रोसेस करेंगे? तो फॉर, आप सीधे लिखिए I in str, देखिएगा, और जितनी बार ये लूप चले आप उसमें L बराबर L प्लस 1 कर दीजिए। प्रिंट लेंथ of string is equal to, किस पर वो आएगा, L पर आएगा बच्चों। ये देखो कितने आसानी से आप, बहुत आसानी से आप स्ट्रिंग की लेंथ का पता लगा सकते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपने इनपुट
आप जानते हैं इनपुट एक स्टेटमेंट है या फंक्शन है जिसके द्वारा जो भी वैल्यू आप कीबोर्ड से एंटर करते हैं वो आपके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल में जाकर क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो जो स्ट्रिंग आप एंटर करेंगे वो किस वेरिएबल में आएगी, वो तुम्हारी एसटीआर वेरिएबल में आके क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। इसके बाद एक टेम्परेरी वेरिएबल यल मैंने बनाया जिसकी इनिशियल वैल्यू जीरो कर दी। क्यों जीरो कर दी, क्योंकि ये काउंटर है जिसमें कि हमारी लेंथ कैलकुलेट होके फाइनल वैल्यू आएगी। और बच्चों लूप हमारा चल रहा है फॉर आई का, कब तक चलेगा, एसटीआर। तो ये आई का लूप उतनी बार चलेगा जितने एसटीआर में क्या है, कैरेक्टर्स हैं, या कहूं तो मैं जितनी जितनी लंबी तुम्हारी स्ट्रिंग है एसटीआर, 10 कैरेक्टर 20 30 जो भी है आपकी इस स्ट्रिंग में, उतनी बार ये लूप चलेगा। और जितनी बार ये लूप चलेगा L का मान उतनी बार बढ़ेगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अब एग्जांपल की बात करूं मैं कि आपने एसटीआर पे स्टोर किया इंडिया, सोचिए तो बताइए ये आई आपका कितनी बार चलेगा, जितने इंडिया में क्या है कैरेक्टर्स, या कहूं जितना इंडिया की लेंथ है। पाइथन में कैरेक्टर शब्द यूज करना उचित नहीं है, वजह क्या है, क्योंकि पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप ही नहीं है, लोग यूज कर लेते हैं, बोल देते हैं क्योंकि वो पीछे से प्रेरित होते हैं, क्योंकि सी में, जावा में, सी प्लस प्लस में कैरेक्टर डेटा टाइप अलग है और स्ट्रिंग डेटा टाइप अलग है। पाइथन ने ये सारा चक्कर ही खत्म कर दिया। पाइथन ने कहा कि जो डेटा टाइप है सिर्फ एक है, वो स्ट्रिंग है, कैरेक्टर कोई डेटा टाइप नहीं है भाई। तो देखो बहुत क्लियर है कि जितना इस इंडिया में इस एसटीआर की जितनी लेंथ है उतनी बार ये लूप चलेगा, और जितनी बार ये लूप चलेगा एल उतनी बार आगे बढ़ेगा। तो बताइए ये लूप कितनी बार चलेगा भाई, इंडिया के 5 है ना, 5 बार ये लूप चलेगा। तो जब ये लूप टर्मिनेट होगा एल का मान कितना हो चुका होगा, 5 हो चुका होगा। तो बहुत ही आसानी से आप इजिली स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं बच्चों, उसको यूज कर सकते हैं, उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से एक और छोटा सा प्रोग्राम देखिए, मान लीजिए आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। क्वेश्चन क्या है, रिवर्स द स्ट्रिंग। तो रिवर्स करने का तरीका क्या है, कैसे रिवर्स करेंगे। मान लीजिए आपने एसटीआर बराबर कोई स्ट्रिंग क्रिएट की बच्चों, इंडिया की ना, तो ये आपका क्या होगा, देखिएगा एसटीआर ये स्ट्रिंग है 1 2 3 4 0 1 2 3 4 इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, आई एन डी आई और ए, ये आपका एसटीआर में जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब हमको इसको रिवर्स करना है, रिवर्स का मतलब होता है बच्चों अपोजिट करना है, अपोजिट का मतलब उल्टा करना है। तो कैसे करेंगे, हमें एक लूप चलाना होगा, कहां से हमें एक लूप चलाना होगा, यहां से लेके कहां तक, यानी 4 से लेके कहां तक जाना होगा, 0 तक जाना होगा। बोलिए कहां से हम लूप चलाएं, 4 से 0 तक लूप चलाएं, और इसकी एक एक पोजीशन की वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल में ले जाकर हम स्टोर कर लें, तो हमारी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी, कुछ यही लॉजिक होगी। तो आओ देखें हाउ टू इंप्लीमेंट दिस, ये इंप्लीमेंटेशन बच्चों कैसे करेंगे, इसका एग्जांपल अब आपको दिखाता हूं। देखिए स्ट्रिंग मैं लिख रहा हूं यहां पे, स्ट्रिंग रिवर्स का प्रोग्राम आपके लिए बना रहे हैं। तो देखो मान लीजिए आपने लिखा इनपुट एंटर योर स्ट्रिंग, ये देखिए यूजर से मैंने स्ट्रिंग मांग ली, और R बराबर मैं R में एक स्ट्रिंग आपके लिए एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट कर दे रहा हूं, डबल कोट सिंगल डाल दिया,
डबल कोट्स से ओपन किया और क्लोज कर दिया, ये एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई आर तुम्हारी, ठीक है। अब तुम्हारा मैं लूप चला रहा हूं बच्चों, फॉर आई इन रेंज, कहां से चलाऊंगा, लेन एस टी आर माइनस वन से चलेगा ये लूप, और कहां तक जाएगा, माइनस वन तक जाएगा, और रिवर्स है तो माइनस वन, ये देखिए बच्चों। और इसमें हम क्या करेंगे, आर बराबर आर प्लस एस टी आर का आई प्रिंट, रिवर्स स्ट्रिंग बराबर तुम्हारा आर। ये देखिए आपकी रिवर्स स्ट्रिंग किसमें आ गई, आर में आ गई। अब इसको जरा आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा बच्चों। मान लीजिए यूजर ने एसटीआर पर, मैं फिर वही एग्जांपल लेता हूं, इंडिया को ही स्टोर किया, तो अब आप बताइए आर अभी तो खाली है, नाउ आर इज एम्प्टी। अब लूप चलेगा फॉर आई इन रेंज लेन एसटीआर, तो इंडिया की लेन आएगी पांच में से गया एक, तो पांच में से एक यानी किस वैल्यू के लिए चलेगा, चार से, माइनस वन, माइनस वन इंक्लूड नहीं होता, तो चार से कहां तक जाएगा, जीरो तक, चार तीन दो एक जीरो, और माइनस वन का मतलब क्या है कि रिवर्स चलना है, रिवर्स का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है। तो बताइए पहली बार ये पोजीशन होगी तुम्हारे एसटीआर में, दो तीन चार, जीरो वन टू थ्री फोर, आई एन डी आई ए, देखिए भाई कितना क्लियर है, एकदम क्लियर। अब आपका क्या होगा, ये लूप कहां से चलेगा, चार से यानी इस पोजीशन से चलेगा, कहां तक जाएगा, जीरो तक यानी इस पोजीशन तक जाएगा, और उल्टा चलेगा, पहली बार कहां से लूप चलेगा, चौथी पोजीशन से, तो चौथी पोजीशन की वैल्यू आई का मान चार, तो आर पर क्या आएगा, उल्टा आर पर ए आ जाएगा, चुलता जाएगा ये, और उसके बाद फिर माइनस वन तीन, फिर आर पर ए प्लस आई, स्ट्रिंग को जब आप जोड़ते हैं तो वो कॉन्केटिनेट हो जाता है, तो ए आएगा फिर आई आएगा, फिर तुम्हारा माइनस वन आई का मान दो हो जाएगा, डी आएगा, फिर आई माइनस वन आई का मान वन हो जाएगा, एन आएगा, और फिर माइनस वन आई का मान जीरो हो जाएगा, आई आएगा, और फिर माइनस वन, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से बच्चों, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप स्ट्रिंग हैंडलिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कुछ आइडिया लग रहा होगा, कुछ समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग स्ट्रिंग हैंडलिंग के, ऐसे न जाने कितने आप क्वेश्चंस बच्चों कर सकते हैं। बस आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रिंग क्या है, कैसे स्टोर होती है, ये कॉन्सेप्ट, ये डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग करनी है तो सबसे पहले बच्चों आपको ये समझना पड़ेगा, ये आपको जानना पड़ेगा कि वो जो स्ट्रिंग जिसको हमें प्रोसेस करना है, प्रोसेसिंग का मतलब किसी तरह का ऑपरेशन, प्रोसेसिंग का मतलब कोई भी कार्य अगर आपको स्ट्रिंग पर करना है तो वो स्ट्रिंग कैसे स्टोर हो रही है, कैसे एक्सेस हो रही है, उसको कैसे हम यूज कर रहे हैं, दैट शुड बी क्लियर एंड क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये संक्षिप्त सा वीडियो जिसमें मैंने आपको स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग के कुछ एग्जांपल्स लिए, आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों देखिए एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं, समय का अभाव है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए, कंप्लीट क्वेश्चंस चाहिए, उनका सॉल्यूशन चाहिए, आपको और तरीके सीखने हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल के ऐप को डाउनलोड अवश्य कर लीजिए प्ले स्टोर से जाकर, और अगर आपको फायदेमंद लग रहा हो ये वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, या मैं कहता हूँ शेयर अवश्य कीजिए ताकि और आपके विद्यार्थियों, मित्रों, दोस्तों, फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंच सके, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि ये कैसे होता है। तो ये एक हमारा ईमानदार प्रयास था आपको समझाने का,
उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। फिर मिलेंगे इसी तरह की कुछ रोचक जानकारियों के साथ। अलविदा, नमस्कार एंड गुड बाय।